आपके लिए पपीते की पेपेन तैयार करने योग्य कौन कौन सी किस्में हैं उनके बारे में एक ट्रिक लेके आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो आप लास्ट तक देखते रहना, और अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। तो दोस्तों फर्स्ट में आती है पूसा डिलियसिस, उसके बाद में सेकेंड पे आती है पूसा मजेस्ट्रिक, और उसके बाद नेक्स्ट में है पूसा ड्वार्फ, और उसके बाद नेक्स्ट में है होम स्टडी, यानी कि होम स्टडी, उसके बाद में CO2, यानी कि ये पांच किस्में हैं। इनको कैसे याद करेंगे? ये मुख्य तौर पे पेपेन की यानी कि पपीते को आसानी से, यानी कि पपीते को पेपेन तैयार करने वाली मेन मेजर वेराइटीज है। तो इनको ट्रिक किस तरह से याद करेंगे, चलते हैं ट्रिक की तरफ। हमारी ट्रिक, दिल्ली से मेज लाए, इसे साफ किया, घर स्टडी की सीओ बने, रैंक दूसरी आई। तो इससे कैसे होगा? तो दिल्ली, दिल्ली को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? दिल्ली। तो दिल्ली से बनता है पूसा डेलियसिस, तो इसकी एक वैरायटी हो गई पूसा डेलियसिस। उससे के बाद में है मेज, मेज का हो गया मजेस्ट्री, तो इस तरह हो गया पूसा मजेस्ट्री। उसके बाद में है ये हो गई दिल्ली से मेज लाए, इसे साफ किया, तो साफ एफ का हो गया, यानी कि फ का हो गया ड्वार्फ, तो इससे हो गया पूसा ड्वार्फ। उसके बाद में है इसे साफ किया, घर स्टडी की, तो घर स्टडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? है होम स्टडी, तो इसका हो गया होम स्टडी। फोर्थ वेराइटी यानी कि फोर्थ केस में कंप्लीट हो गई। उसके बाद में सीओ बने, रैंक दूसरी आई, तो सीओ और दूसरी रैंक, इस तरह से ये रैंक बन गई CO2। तो इस तरह से ये आसानी से हम ये ट्रिक के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलना। अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ।